चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर एक्सेलरेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ऑफ देयर रेशियो ऑफ मासेस इज m1 बाय m2 इज इक्वल टू 0.5 अगर दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होना चाहिए. देखो दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू मान लो, एक माइनस क्यू मान लो. ये टर्मिनल है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है और ये नेगेटिव है, ठीक है. तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. डिस्टेंस दोनों की यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस कंसिडर कर लो, एस करेक्ट है. तो एक्सेलरेशन, तो पहली बात तो फोर्स दोनों पे इक्वल लगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए एम इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर होगा, करेक्ट है. तो एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हुआ, चार्ज दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है, तो एम वन ए वन इज इक्वल टू एम टू ए टू होगा, ठीक है, एम टू ए टू. तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू क्या होगा, एम टू बाई एम वन. अच्छा एम वन बाई एम टू की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 का मतलब 1/2, तो M2 by M1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. तो M2 by M1 की वैल्यू 2 होगी, तो A1 by A2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.